तो आज को एक वीडियो के साथ वापस फिलहाल आज हम बात करने वाले अल्ट्रा फास्ट वन टाइप के बारे में। देखो आज की वीडियो में आपको ऐसे दो सीक्रेट बताऊंगा ना, और जिनको आप अपने गेम प्ले पे फॉलो करोगे तो आप भी 10 में से 10 बार हेडशॉट मार पाओगे, मतलब कि वन शॉट मार पाओगे, क्योंकि आपको भी वन टाइप किंग बनना है और अल्ट्रा फास्ट वन टाइप मारना है रेस्टार या वाई टाइप की तरह। तो इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेना, बिकॉज आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे दो सीक्रेट बताने वाला हूँ जिनका यूज अगर आप अपने गेम प्ले पे करोगे ना तो आप भी रेस्टार की तरह वन टाइप मार पाओगे, वो भी फ्री स्टाइल या फास्ट वन टैप। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात कर लेते हैं ट्रिक है। सबसे पहले देखो, जब भी आप वन टाइम मारने जाओ जो जोस्टिक होता है ना, इसका आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना। अगर आप इसका यूज करोगे तो आपका मूवमेंट कम हो जाएगा और आप अल्ट्रा फास्ट वन टाइम नहीं मार पाओगे। देखो अगर आपको यूज करना है तो स्प्रिंट बटन का यूज करो, इससे क्या होगा आपका मूवमेंट भी फास्ट होगा और आप अल्ट्रा फास्ट वन टैप भी मार पाओगे काफी आसानी से। और एक बात, हमेशा वन टाइम मारने से पहले एक जंप लेना, फिर अपना एम लो करना और फिर ड्रैग करना। इससे क्या होगा आप अपना एम भी अच्छे से लो कर लोगे, ड्रैग भी अच्छे से कर लोगे और आपका वन टैप भी काफ़ी अच्छा लगेगा। अब बात कर लेते हैं सेकंड ट्रिक के बारे में, फायर बटन। देखो फायर बटन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है। सबसे पहले इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, ड्रैग आपको कैसे करना है फायर बटन का यूज़ करके। देखो आपको ड्रैग सबसे पहले, तो अगर आपका एनिमी स्ट्रेट खड़ा है या आपकी तरफ आ रहा है तो आपको स्ट्रेट ड्रैग करना है। और रोटेशन ड्रैग के बारे में जानना है तो आपको मैं एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको जाके देख लेना। तो फायर बटन का साइज एंड पोजीशन बताने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल के ऊपर सेट कर लेना। अब बात कर लेते हैं फायर बटन के साइज एंड पोजीशन के बारे में। देखो सबसे पहले साइज के बारे में बात करता हूँ। देखो साइज मेरा देख लो कितना है, 65 मेरा साइज है। तो बात कर लेते हैं कि आपको क्या रखना चाहिए अपने फायर बटन का साइज। सबसे पहले देखो मैं आपको बता दूँ, मीडियम रखा करो, जैसे कि हो गया 55, आप इतना ही रखो, नहीं तो 65 भी रख सकते हो, बेस्ट साइज है 65। देखो साइज इतना मैटर नहीं करता, बस और आप उसको आसानी से दबा पा रहे हो वो मैटर करता है। बात कर लेते हैं पोजीशन के बारे में। देखो इतना आपको स्पेस रखना है नीचे अगर आपको रोटेशन ड्रैग करना है तो, और आपको अगर रोटेशन ड्रैग करो ना तो इतने पार्ट का यूज करके किया करो, नीचे वाले पार्ट का। तो देखो बिल्कुल सिंपल था। तो थोड़ा बहुत सपोर्ट मेरे जैसे क्रिएटर को भी कर दो, मैं भी अपना पूरा देता हूँ वीडियो बनाने में। और देखो कोई बंदा तो कैसा भी वीडियो बना के 30 सा वीडियो भी बना के डाल रहा है तो उसको आप इतना सपोर्ट कर रहे हो, अंधा सपोर्ट है। किसी के पीछे आप जस्टिस दे दो इसको तो उसके पीछे आप भाग रहे हो, पर देखो मेरे को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं। देखो कितनी मैं वीडियो डाल दिया हूँ और देखो कितना सपोर्ट मिला, सपोर्ट कर दिया करो यार किसी को। तो देखो किसी एक ही गांड में मत घुसा करो, किसी और को भी सपोर्ट कर दिया करो मेरे जैसे यूट्यूबर को या क्रिएटर को। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाय।